का अपना एक अलग ही महत्व है, जहाँ कुमाऊं के अंदर खड़ी और बैठ की होली मनाई जाती है, जहाँ महिलाओं के द्वारा अलग अलग किरदारों में नाटक होते हैं, वहीं महिलाएं होली में पुरुष बनते हैं और महिलाओं के द्वारा बैठ की होली का आयोजन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके चलते गणपति बिहार में महिलाओं के द्वारा होली का आयोजन किया गया, जिसमें गणपति बिहार की महिलाओं ने होली का आनंद लिया और कुमाऊनी होली गाकर अलग अलग रंगों से गुलाल और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि हल्द्वानी कुमाऊं के क्षेत्र में होली का अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की होली मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दो प्रकार की बैठकी के द्वारा होली मनाते हैं, जिसमें सबसे पहले प्राचीन महिलाओं की बैठक की होली होती है। हैप्पी होली। यहाँ वर्षों से होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली 40 वर्षों से होली का त्यौहार मनाया जाता है और यहाँ पर हम पूरी सारी कॉलोनी के बहुत सी कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर एक जगह पर यहाँ पर होली मनाने के लिए आते हैं। और होली जब होली की रात्रि को हम लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन के बाद हम लोग क्या रंगों से एक ढेर सारी होलियाँ खेलते हैं और पूरा परिवार, पूरी कॉलोनी एक परिवार की तरह रहती है। यही कहना चाहूँगी, होली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन जो कुमाऊं का त्यौहार है वो छठा ही अनोखी है। ये एकादशी से मनाया जाता है। होलिका दहन पर इसकी जो छठा रहती है, रोज महिलाएं इकट्ठी होकर होली गाती हैं, हर रंग में सरावर रहती है, मिठाइयाँ बांटते हैं, फलती बांटते हैं और मुर्गी भेड़िया फोड़ी आती हैं। ये रंग का त्यौहार तो हर साल आता है, हर साल जो त्यौहार आते रहता है उसकी तो उमंग, हर साल इसकी उमंग बढ़ते जाती है और इसके रंग बिरंगे रंग उड़ाते उड़ाते हम लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सब समय बीत गया। ये हमारे होली त्यौहार बहुत साल पुराण बटी चल रहा सब गए। ये होली त्यौहार और फूलदेही त्यौहार सब गए भली भल बधाई है। जो हमारे होली त्यौहार 40 साल पुराण बटी परंपरा हमारे बूढ़ बाड़ी नल बुजुर्ग नल बटी चल रखो। एक हम अगिला हों चलोनी अगिला हों चल लियो। हमारे नानतीन सब अगिला हों खूब बढ़िया कभी चला, आप लोग खूब भल कभी चलाया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।